जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में फिर से एक बार। दोस्तों आज बात करेंगे क्लासिक 500 बुलेट 500 की। बहुत सारे लोग दीवाने भाई इसके, क्यों ये बंद हो गई, क्या कारण था ऐसा, और क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे ये बाइक आप परचेज कर सकें। जिन लोगों को चाहिए भाई, ये चाहिए हो तो सारी बात करूँगा इस वीडियो में, बने रही है इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करना यार, तो प्लीज़ भाई कर लो, अपने भाई की सपोर्ट करो। और दूसरा जो मेरा चैनल है अनुराग्स व्लॉग्स का, वो भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करो अगर आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं। दोस्तों बात करता हूँ जल्दी से मैं इस टॉपिक पे कि क्लासिक 500 और बुलेट 500 बंद क्यों हुई। देखो इसको सबसे पहली तो एक बात मैं आपको बताऊँ, क्यों लोग इसको पसंद करते हैं आज भी। यार 350 cc जो अभी बुलेट क्लासिक आ रही है ना, उससे बहुत पावरफुल इंजन था क्लासिक बुलेट 500 cc का, और ये महसूस होता था अलग ही। जिस आदमी ने दोनों बाइकें चलाई ना एक एक करके, 350 वाली फिर 500 वाली, तो उसे ये चीज़ महसूस होती थी कि हाँ भाई 500 वाली की जो ताकत है ना, वो वाकई में बहुत ज़्यादा है 350 वाली से। तो इसको पसंद करने वाले इसलिए आज भी बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहला तो जो मैं आपको जो चीज़ बताऊँगा वो ये है कि ये बंद क्यों हुई। सबसे बड़ा रीज़न बताता हूँ क्यों बंद हुई, जो असली वजह थी। देखो जिस टाइम पे बंद हुई 31 मार्च 2020 तक, ये लास्ट इसका एक जो लास्ट है वो 31 मार्च 2020 तक बिकी, BS4 तक जब तक ये बिक सकती थी। अब BS6 में जब इसको बेचने की कोशिश अगर करती कंपनी, तो ऑलरेडी इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब जो इसका जो मॉडल आता था वो 230,000-240,000 रुपये का आता था उस समय, 31 मार्च 2020 तक जब ये बंद हुई। अब अगर इसको BS6 में कन्वर्ट करा जाता, तो इसको BS6 के नॉर्म्स को मैच करने के लिए इसके इंजन में बदलाव किए जाते, इसमें चीज़ें बढ़ाई जाती, करी जाती, चेंजेस किए जाते, R&D करा जाता इसके साथ में, तो इसकी कीमत पहुंच जाती बहुत ज़्यादा 280,000 रुपये के आसपास शायद इसकी कीमत पहुंच जाती। तो इतनी कीमत पहुँच जाना रॉयल एनफील्ड ने सही नहीं समझा, क्योंकि कॉन्टिनेंटल GT और इंटरसेप्टर GT उस समय पर 3,10,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती थी, और वो 650 cc में बहुत ही अलग टाइप का उसमें इंजन आता था। अब इसी वजह से रॉयल एनफील्ड ने इसको BS6 में कन्वर्ट नहीं करा, उसके लिए उसने क्या करा, 350 cc में ही इसमें सारे कलर दे दिए, लेकिन पावर वो नहीं दे पाई, कुछ भी इसमें चेंज नहीं कर पाई। अगर दोस्तों मैं आपसे एक बात बताऊं कि अगर आप ये लोग ये सोचते हैं कि क्या क्लासिक 500 या बुलेट 500 मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुकी है, नहीं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद नहीं हुई, लेकिन विदेशों में सारी की सारी जो बाइकें बेची जाती हैं वो बेची जाती हैं विदेशों में, सिर्फ हिंदुस्तान में हमारे देश में कोई भी बाइक 500 cc में नहीं है रॉयल एनफील्ड की। अब जो दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन दिमाग में बहुत सारे लोगों के घूमता है, वो ये है कि क्या कोई भी ऐसा तरीका है जिससे कि आप रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 500 या बुलेट 500 खरीद सकें दोबारा से, या ऑर्डर कर सकें, या स्पेशल ऑर्डर कर सकें। मेरे पास ऐसे कमेंट भी आते हैं कि भैया हम ऑर्डर तो कर सकते हैं, किस तरह से ऑर्डर कर सकते हैं 500 का। तो मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं कि बुलेट 500 या क्लासिक 500 का रॉयल एनफील्ड ने ऐसा कोई भी तरीका नहीं छोड़ा कि आप उसको परचेज कर सको या उसको ऑर्डर कर सको। अब यार ये चीज़ है ना, मुझे थोड़ी गलत लगती है। अगर मान लो मुझे क्लासिक 500 या बुलेट 500 खरीदनी, मुझे इस चीज़ से मतलब ही नहीं कि यार कितने की जा रही वो, कितने पैसे हैं उसके, कितनी महंगी है, तो फिर रॉयल एनफील्ड को क्या दिक्कत है जब वो उसका प्रोडक्शन आज भी उसको चलाती है, उसको प्रोडक्शन रख रखा है उसका चालू, उसको बनाती है, तो क्या दिक्कत है। तो सारी बाइक एक्सपोर्ट करती है, तो मुझे नहीं समझ में आया क्यों रॉयल एनफील्ड ने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, कोई भी ऐसा तरीका नहीं छोड़ा कि किसी बंदे को अगर क्लासिक 500 या बुलेट 500 चाहिए तो वो परचेज़ कर सके किसी भी तरीके से। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इसको लाइक करो, इसको देखो, बताओ रॉयल एनफील्ड को। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर रॉयल एनफील्ड को ये चीज़ महसूस होगी ना कल को कि भाई हाँ हमने 500 cc की जो अपनी बाइकें हैं बंद करके गलती करी, आज भी लोग उसके दीवाने हैं, परचेज़ करना चाहते हैं उसको, तो ज़रूर रॉयल एनफील्ड उसको आपको ऑर्डर पे ज़रूर अवेलेबल कराएगी, ऑर्डर पे कराए या शोरूम्स पर कराए या दोबारा से उसको अवेलेबल कराए, कुछ भी कराएगी, लेकिन कराएगी ज़रूर। क्योंकि सीधी सी बात है यार, रॉयल एनफील्ड एक बिजनेस कर रही है और उसको पता है कि अगर किसी चीज़ की डिमांड है तो उसको क्यों नहीं बेचेगी। तो ये दोस्तों चीज़ है, और ये थी मेरी वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
आज के लिए इतना ही, अपने आसपास सफाई रखें, अपना ध्यान रखें, जय हिंद, टेक केयर।